गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5th। मम्मा को पीरियड्स आ गए हैं। हमारे यहाँ पे गांव में ऐसा सीन होता है कि जब आपके पीरियड्स जाते हैं तो आप किचन में नहीं आ सकते, मतलब किचन में आ सकते हो मतलब कि आप खाना नहीं बना सकते हो। तो फिर मम्मा आज रेस्ट पे है। काय को बताना, ये उसने बताना, बिकॉज दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट इट इज। आई मीन इट इज वेरी सुपरस्टिशियस, पर अभी होता है ऐसे। पापा खा रहे हैं सोहन हलवा। मैं पापा के लिए सोहन हलवा लाई थी। पापा लव सोहन हलवा। इट हैज अ टेक्सचर ऑफ घी। तो फिर ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेशली आई थिंक बिकॉज ऑफ देव नहीं, आई थिंक ये पूरी जगह इंडिया में होता है, पहाड़ों में होता है, पर हमारे तो उसके होता है बिकॉज देवता, हमारे देवता वाला बहुत सीन होता है। उसे नहीं कर सकते हो, वो चीजें बहुत गंदी होती है। जैसे बहुत सारी जगहों पे गाँव में ऐसे सोना पड़ता है आपको ओबरे में। ओबरे मीन्स जहाँ पे गाय रहती है, वैसा हमारे वैसा कुछ नहीं होता है। तो जनरली बस खाना नहीं बनाते, किचन में वो नहीं करते। तो चलो मम्मा को फिर रेस्ट डे मिल जाता है, तो मम्मा इस चिल विद इट है ना। मम्मा मम्मा को देखो, मम्मा अपनी व्लॉग्स देखती रहती है मम्मा सबके, और मूंगफली खा रही है। तो मम्मा इज चिल लोनली, सो मम्मा इज नॉट हैविंग एनी ट्रबल। आज तो मम्मा मैचिंग कपड़े भी पहने हैं, सुंदर क्यों बनी है। सो मैंने सोचा कि चलो मम्मा की हेल्प करने के लिए मैं डिनर बना दूं। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं आलू मशरूम। और मेरी असिस्टेंट रहेगी साक्षी चौहान। तो लेट्स डू इट। मम्मा एक पैकेट मशरूम बहुत है। हमारे नीचे आ गए, तुमने देखा होगा चंडीगढ़ में हमारे पास ऐसा ही एक नाइफ का सेट है। अनमोल ने मम्मा के लिए भी लिया था, पर हम डांस और मम्मा तो इसे इतना यूज नहीं करते। आपके पास चॉपिंग बोर्ड है? फर्स्ट नंबर पे चॉपिंग बोर्ड। ये कैसे चलता है? इसका डब्बा है नीचे का, और डब्बा। अच्छा अच्छा, इसमें हम टमाटर प्याज करेंगे। तो दिख नहीं रही है मुझे, ये रही गाइस इसके लिए। अच्छा, मशरूम चॉप करेंगे। टमाटर प्याज कहाँ होते हैं? कितने टमाटर प्याज डालूं? इतना भी नहीं, लंगर नहीं बना रहे। तो लंगर नहीं, तो मैं दो पैकेट बना रहे ना, तो फिर तीन प्याज यूज करो। मम्मा तीन प्याज बोल रही है। टमाटर भी तीन डालो प्लीज, मेरी कुकिंग है, जितना डालना उतना डाल रहा हूँ। थैंक गॉड यू आर हियर, यू लव चॉपिंग। अनमोल लव्स चॉपिंग, सो अनमोल इज गोना चॉप सम मशरूम्स। मशरूम चॉप कर ले। सबसे पहले हम इसको धोएंगे, पैकेट बना रहे हैं। आर यू फकिंग किडिंग मी, तुम्हारे पास ये पैंट्री है? तुमने मुझे खिलाया नहीं। मैं तो इतने दिन से बोलती थी कि ग्रीन कुरकुरा खाना है मुझे, ये खाएंगे। और मैं आपके लिए वेफर्स भी लाई थी, आपने खाए वेफर? ये हम जिंजर पेस्ट यूज करेंगे, पर मेरे को मैजिक मसाला डालना भी अच्छा लगता, तो मैं मैजिक मसाला भी डालूंगी एक। ठीक है, हम मटर मशरूम जैसे बनाते वैसे काट। मैं नहीं खाता मटर मशरूम ऐसे काटने ना, मैं तो छोटा से पिज्जा में टॉपिंग करते हैं। नहीं, थोड़ा ऐसे भी काटते हैं। नहीं, इसे और छोटा कर शायद। हम इसमें नहीं काटते। अच्छी नहीं है मामा, नाइफ से दो है। स्वाति, हम इसमें नहीं करते टमाटर ब्लेंड, ये हाथ से पील हो जाएगा। मैं क्या ही खाना बना रही हूं, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही बना दो खाना। नहीं, मैं लिटरली करती हूं, साक्षी खुद ही बोल रही मैं कर देती हूं। ये लालच होता है आपको, छप्पर पड़ जाएगा छोटू छोटू को। हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। प्याज दिखा अपने हाथ नहीं, बड़ा कूल सा ये ब्लेंडर। प्याज तो हो जाता है इससे। पापा, जो आप पहाड़ी गाना बजा रहे हो मुझे कॉपीराइट पड़ेगा प्लीज। ये सब गाने मत बजाओ पीछे, कॉपीराइट हो जाएगा। हाँ। शूट कर रहे हो मम्मी, ये देखो। जग में टमाटर काट के डालते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, और फिर मम्मा के पास एक ब्लेंडर है ऐसे ऐसे वाला, सेकंड नंबर ऊपर ऊपर से सेकंड नंबर यही है वहां से ऐसे। Got it. दोनों पैकेट, मुझे भी लग रहा है दोनों पैकेट बहुत ज्यादा है मम्मा। हमने एक ही बनाओ, मज़ा आ गया। एक में कुछ फिर ये हमने मैंने प्लग कर दिया है, अब इसको यहाँ से ऐसे करके यस। अब हमारे घर पे हम लोगों को टमाटर अगर तैरते मिलते हैं तो हमें पसंद नहीं है, तो हम इसे ब्लेंड कर देते हैं अच्छे से ना। तैरते हुए टमाटर को नहीं खाता। हमारे टमाटर हो गए हैं एकदम तैयार। पर बाय द वे इनको टाइम भी दिख रहा है, इनको पता चल जाएगा खाना कब तक तैयार हुआ है, क्योंकि अभी देखो 6:10 दिख रहा है इनको कि 6:10 हो चुका है। खाना 8 बजे तक तैयार है। मैं खाना ना आधे घंटे में तैयार कर सकता। हाँ, पापा खाना आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं, हम भी। कल पापा, कल व्लॉग बनाऊंगी मैं, और उसमें पापा पूरा व्लॉग करेंगे शूट। जैसे मैं बोलती पापा की एक सब्जी है जो कि मेरी
अटमोस्ट फेवरेट है विच इज भुने हुए आलू की सब्जी. पहले आलू को आग में भुनते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाती है. आई लव दैट. और पापा थोड़ा स्पाइसी सा खाना बनाते हैं तो फिर पापा मेरे लिए फिर हमारे लिए पापा वो बनाएंगे कल व्लॉग में आप लोगों के लिए. किसमें? गर्म पानी में पहले हम मटर डालेंगे, मटर मशरूम, क्योंकि हमारे पास फ्रोजन मटर है. फ्रोजन मटर का पैकेट बोल में मैं डाल रही हूँ. मैं सारे डाल रही हूँ, कमी है. गए हमारे मटर, इनको रखेंगे हम यहाँ पे. हमारा प्याज हो गया, हमारी हो गया, हमारा मशरूम हो गया, अब सब कुछ हो गया. हम अपनी चिमनी ऑन करके पूरा शो ऑफ करते हुए ना. अभी हम इस पे रखेंगे ये तो सिम कर दे. इधर है सिम? ये सिम है. ओके गुड. डालेंगे इसमें तेल. तेल ही गर्म नहीं हुआ तो ये भी डाल सकती हूँ. एक ही साथ पहले तेल गर्म हो जाना चाहिए. मिर्ची भी डाली देती हूँ. तेल को गर्म होने देंगे, जीरे को पकने देंगे. तेल तूने ना एकदम ज्यादा डाल दिया है क्योंकि तेल ठंडा है. तो ज्यादा तो तूने डाला है. लड़ाई नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं इससे देखो कितना तेल डाल दिया है. तो खाना बनाना नहीं आता हमारे को, तो फर्स्ट स्टेप से ही पता लग गया है. शॉर्ट अप साक्षी फर्स्ट स्टेप उसके, क्योंकि हमने बीच में बंद कर दिया था, जीरा खत्म हो गया था. मैं ये बंद करके हम लोग जीरा लेने चले गए थे और जब हमें ऑन किया तो मुझे लगा तेल गर्म ही होगा, पर तेल नहीं था. मेरे ख्याल से तो हो गया. अब हम डालेंगे प्याज. किलो स्पून चीज खाली नहीं हो रहा. प्याज हम ब्राउन होंगे जब तक. मुझसे तो बिल्कुल मत सीखना कि खाना कैसे बनाते हैं. कुकिंग चैनल देख लेना. टर्मरिक, लाल मिर्च, ठीक है, धनिया, धनिया, धनिया के दो डालेंगे. इसमें वो नहीं है, वो क्या है, वो गरम मसाला. अभी मुझे डालना है टाइम दे. और नमक भी डाल. मैं टमाटर डाल दिया ताकि वो जल ना जाए मसाले. पर मेरे दो मसाले रह गए थे क्योंकि वो यहाँ पे थे नहीं. एक स्पून डालूंगी मैं नमक, छोटा सा स्पून है. और एक डालूंगी ये. ये है गरम मसाला. इस बार मुझे खाना बनाना आता था, अभी मैं अंडर प्रेशर हूँ. जो इसको खाना बनाना नहीं आता. खाना बनाने क्यों? इट्स लाइक गरम मसाला होगी. तो ऑलरेडी तैने इतना गर्म मसाला डाला तो तुझे लगता है तू पानी में ये बनाए डालेगी और फिर खाना बनाएगी तो अच्छा बन जाएगा. कैसा मसाला? इट्स लाइक किचन के तड़का, तो तड़का ही होता है ना. इतने मसालों के साथ जो खाना बनाता है ना वो कुछ शेफ नहीं होता. मैं तो नहीं हूँ शेफ. तो मैं इसका पानी ड्रेन कर दिया है. काफ़ी कम है वैसे मटर, और मटर किसी को पसंद नहीं है मेरे अलावा. आई लव मटर. तू देख तूने कितना तेल डाला है. देख ऊपर ऊपर तेल तैर रहा है. साक्षी ने देखो कितना तेल डाला. मैं बहुत कम तेल डालती हूँ. ऊपर ऊपर देखो तेल तैर रहा है. तो ऐसे खाते चटपटा खाते मरीजों वाला खाना. चटपटा तेल में बहुत डिफरेंस होता है. पानी डाला, मसाले भी पकने नहीं दिए. मैंने मसाले भी पकने दिए. अगर पकने भी देती तो तेल अलग से गायब हो जाता है. खुद की गलती कभी नहीं मानती. हाँ देख लियो. इतना अभी हमने मशरूम डाल दी. और पानी डालेंगे क्योंकि हम राइस के साथ बनाएंगे. और मैं एक्चुअली सबसे ज्यादा नमक खाती हूँ. कोशिश करूंगी कम ही नमक हो. ठीक लग रहा है ऐसे तो. मुझे मिर्च लग रही है, मुझे स्पाइसी बन रही है. बाद में कम हो जाता है. ठीक है ना. और कैसा खाना बना? रिजल्ट पे बताऊंगी ना. एंड रिजल्ट पे बताइए जब उंगलियां चाट जाएगी. कहीं अभी उंगली ना खा ले साथ. किस पे रखूं? सिम पे? फुल पे? कितनी देर अब देख लेना. अभी मम्मा की ड्यूटी है. मेरा यहाँ से हो गया काम. ऐसे फूंक मारो फूंक. That's how you do it. इसको यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ से आप इसको लॉक करेंगे. और आप देख सकते हो अंदर आग मस्त चल गई है. मटर मशरूम वहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट होने वाला है. तब तक पापा चावल डाल रहे हैं सबके लिए. खोल गए तुमने? मेरा डिलीशियस. अच्छा लग रहा है. टेस्ट कर लिया. कैसा है? अभी जब मेन थाली में
क्यों बता? क्या बता कैसा है? अभी तो ठीक है, बाकी बाकी अब जब चावल के साथ ओके बिच तू खाएगा मेरा मटर मशरूम? तू तो खाता है मटर मशरूम, तू यू लव मशरूम्स एंड यू ईट मटर। ओ प्लीज मैंने बनाया, प्लीज टेस्ट कर लो तुम्हारे। अपन ने अपने लिए टॉर्टिया रैप्स कर दिए यहाँ पे। नहीं नहीं रोटियां रोटियां पापा को इसके ऊपर करारी करनी अच्छी लगती है, रोटियां फिर खाना अच्छा लगता है ना जो भी वैसे। हेलो माय स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट बुजु 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 बुजु। मैं सबके रिव्यूज लूंगी कि कैसा है। पापा पहली बाइट लेते हुए बहुत कैसा अच्छा है, बहुत खुद ही बोल रही हूँ। अच्छा है, कितना अच्छा? 10 में से 10 में से 9 9 इज ओके में, नहीं ज्यादा कम कर। चटपटा हाँ, मुझे लग ही रहा था मिर्च ज्यादा हो गई थी। 10 में से देखो हमने खुद दही बनाई है घर पे, है ना। अब हमारी मेन खिलाड़ी बच गई है, ये वाली मेरे लिए रहने दो, ये वाली करा रही है। मिक्स कर लेती हूँ और आधी एंड सब ठीक बन जाता है। आई थिंक ये हाथों का जादू होता है, जिसके हाथों से अच्छा बनना होता है ना अच्छा ही बनता है, है ना, होता है ना सब। साक्षी खा रही है सोचते हुए, स्पाइसी है ना, हल्का नमक ज्यादा है, ज्यादा है पर मैं ज्यादा ही खाती हूँ एक्चुअली, हल्का सा नहीं है ना। मम्मी ने मना कर दिया, टेस्टी है। और तेरा वो तेल निकाल दिया मैंने ऊपर से, तेल था भी तेरा कुछ नहीं है, बस डाल दिया फ्रेंड में अच्छा बन जाता। टेस्ट नहीं है तुझे तो कोविड हो गया भाई, तू मेरी थाली से मत खा, तुझे खाना नहीं आता, देख कैसा खा रहा है। मत दिखा अब वो सीरियसली करा रही मेरी रोटी, स्पून से खा रहा है। स्वाद ही नहीं आ रहा अनमोल, साक्षी ने बोला नमक ज्यादा है तो कुछ स्वाद नहीं आ रहा। अनमोल मशरूम का आ रहा है, मैं खाऊंगी और तुम्हें असली रिव्यू दूंगी कि कैसा है। अच्छा थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हुई है, नहीं मस्त एकदम। अब बाय बाय इसकी थाली से मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पेशली गांव की दही तो बहुत ही। हाय गाइस आई थिंक दैट वाज इट फॉर द वीडियो। साक्षी तो सो भी गई, हम सोने आ गए, ऑलमोस्ट 9:30 हो गए हैं। पूरी वीडियो में आई थिंक मैं और साक्षी तो सिर्फ लड़ रहे थे कि अगर तुम और तुम्हारे सिबलिंग्स ऐसे नहीं लड़ते, आर यू इवन रियल सिबलिंग्स। क्या बनाया था मैंने, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, मेरा आलू मटर निकलता है, मटर मशरूम विज अमेजिंग, इट विज टेस्टी, आई लव्ड इट। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरे को पर्टिकुलरली व्हेन आई कुक आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी अराउंड मी, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या डालती हूँ। मैं कुछ ऐसे नाप के डालती हूँ, मैं ऐसे तुक्के तुक्के से डालती हूँ, बट इवेंचुअली मेरा खाना टेस्टी बन जाता है एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट मैटर्स। That's it for the video guys, thank you so much for watching, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, bye, see you super soon.